शिक्षण पूर्णता की अभिव्यक्ति। शिक्षण मनुष्य की परिपूर्णता की अभिव्यक्ति है। एक राष्ट्र में शिक्षा के माध्यम से शक्ति आनी चाहिए। एक राष्ट्र उसकी प्रजा की शिक्षा और बुद्धि के संप्रमाण में उन्नत होता है। शिक्षण शिक्षण और मात्र शिक्षण। यूरोप के अनेक नगरों का भ्रमण करते हुए और उनमें गरीब लोगों की सुख सुविधा और शिक्षण को देखकर मेरे मन में हमारे अपने गरीब लोगों की स्थिति आती थी और मैं आंसू बहाता था। मैंने अपने आप से ये प्रश्न किया कि दोनों राष्ट्रों के बीच क्या अंतर है। तब मुझे जो उत्तर मिला वह शिक्षण था। शिक्षा के माध्यम से स्वयं में विश्वास आता है और स्वयं का स्वयं में विश्वास होने से अंतर्निहित ब्रह्म उनमें जागृत होता है। लोगों का सुयोग्य शिक्षण होना चाहिए। वे इन दिनों लोकतंत्र और मानव समानता की बातें करते हैं, परंतु एक व्यक्ति को यह कैसे पता चलेगा कि वह सबके बराबर है? उसके पास एक सशक्त और स्पष्ट मन होना चाहिए जो व्यर्थ के विचारों से मुक्त हो। उसे अनेक अंधविश्वासों को भेद कर अपने मन को उस शुद्ध सत्य को सौंपना होगा जो कि उसकी अंतरतम आत्मा में है। तब उसे ये ज्ञात होगा कि सारी सिद्धियां सारी शक्तियां पहले से ही उसके भीतर हैं, जो उसे किसी भी अन्य से प्राप्त नहीं हुई है। जब उसे इस बात का आभास हो जाता है वह उसी क्षण मुक्त हो जाता है और समता को प्राप्त कर लेता है। वह ये भी जान लेता है कि सभी उसके समान परिपूर्ण हैं। उसे दूसरों पर शारीरिक मानसिक या नैतिक शक्ति का प्रयोग करने की कोई आवश्यकता नहीं। वह इस विचार को भी त्याग देता है कि कहीं कोई ऐसा व्यक्ति था जो मुझसे तुच्छ था, अब वह समानता की बात कर सकता है, इससे पहले नहीं। प्रत्येक प्राणी एक परिपूर्ण आत्मा है। विविधता का विकास और प्रकृति की अभिव्यक्ति तो बस इस आत्मा की अभिव्यक्ति के आंशिक अंतर के कारण है। जिस क्षण प्रकृति का विकास और अभिव्यक्ति की बाधाएं पूरी तरह से दूर हो जाती हैं, आत्मा पूरी तरह से प्रकट हो जाती है। प्रकृति के विकास में निचले स्तर पर जो कुछ भी होता है वह उच्च स्तर से देखा जा सकता है। तब बाधाएं चली जाती हैं। तब शिक्षा और संस्कृति के माध्यम से, एकाग्रता और ध्यान के माध्यम से या बलिदान के माध्यम से आत्मा की एक बड़ी अभिव्यक्ति होती है। शिक्षण क्या है? क्या यह किताबी शिक्षा है? नहीं। क्या यह विविध ज्ञान है? वह भी नहीं। शिक्षण का अर्थ मन को दिया जाने वाला वह प्रशिक्षण है जिसके द्वारा इच्छाओं का प्रवाह और उनकी अभिव्यक्ति को नियंत्रण में लाया जाता है और फलदायी हो जाता है। यदि लोगों को एक दूसरे की सहायता करना ना सिखाया जाए तो पूरे विश्व का धन भी एक गांव की सहायता नहीं कर सकता। समस्त ज्ञान व्यक्ति के भीतर निहित होता है, कोई ज्ञान बाहर से नहीं आता, यह सब अंदर है। जब हम कहते हैं कि एक व्यक्ति कुछ जानता है तो सटीक मनोवैज्ञानिक भाषा में वह शोध या उजागर करता है। एक आदमी कुछ सीखता है अर्थात वास्तव में वह अपनी आत्मा को आवृत करके शोध करता है, जो अनंत ज्ञान की खान है। एक बच्चा अपने आप सीखता है, आप बस उसे अपने तरीके से आगे बढ़ने में सहायता कर सकते हैं। आप जो कर सकते हैं वह सकारात्मक प्रकृति का नहीं परंतु नकारात्मक प्रकृति का है। आप बस उसकी बाधाओं को दूर कर सकते हैं, परंतु ज्ञान तो उसके अंदर अपने स्वभाव से ही आएगा। आप इसके अलावा और कुछ नहीं कर सकते। बाकी बचा काम उसके आंतरिक स्वभाव की अभिव्यक्ति है। इसलिए एक बालक के शिक्षण में वह बालक स्वयं अपने आप को शिक्षित करता है। मैं तुम्हें कोई शिक्षा नहीं दे सकता, तुम्हें स्वयं अपने आप को शिक्षित करना होगा। परंतु संभवतः उस विचार को अभिव्यक्त करके मैं तुम्हारी सहायता अवश्य कर सकता हूँ। यह ठीक है कि आप एक व्यक्ति को शिक्षित मानते हैं यदि वह कुछ परीक्षाओं में उत्तीर्ण हो सकता है या अच्छी व्याख्याएं दे सकता है। जो शिक्षा सामान्य नागरिकों को जीवन के संघर्ष के लिए तैयार करने में सहायता नहीं करती, जो चरित्र की शक्ति,
परोपकार की भावना और सिंह के समान साहस को नहीं लाती तो क्या यह शिक्षा कहलाने के योग्य है? सच्ची शिक्षा वह है जो व्यक्ति को अपने पैरों पर खड़ा होने में सक्षम बनाती है। शिक्षण जानकारी का जत्था नहीं है जो हमारे मन में रख दिया जाता है और जो पूरा जीवन बिना समझे द्वंद कराता है। हमें जीवन निर्माण, मानव निर्माण, चरित्र निर्माण के विचारों को आत्मसात करना होगा। यदि आपने 5 विचारों को आत्मसात कर दिया है और आपने उन्हें अपना जीवन एवं चरित्र बना लिया है तो आपके पास उस व्यक्ति से ज्यादा शिक्षण है जिसने पूरे पुस्तकालय को अपने मन में उतार लिया है। शिक्षण का अर्थ अपने मन को विश्व भर के तथ्यों से भरना नहीं है। किसी यंत्र को सिद्ध करना और अपने मन पर पूर्ण अधिकार पाना ही शिक्षण का आदर्श है। हम ऐसी शिक्षा चाहते हैं जिससे चरित्र का निर्माण हो, मन की शक्ति बढ़े, बुद्धि का विस्तार हो और व्यक्ति अपने पैरों पर खड़ा हो, अर्थात आत्मनिर्भर बने। गरीबों को प्रकाश दो और धनवानों को इससे अधिक प्रकाश दो, क्योंकि उन्हें गरीबों से अधिक इसकी आवश्यकता है। अज्ञानियों के लिए प्रकाश लाओ और शिक्षितों के लिए और अधिक प्रकाश लाओ, क्योंकि हमारे समय के शिक्षण की व्यर्थता बहुत ही अद्भुत है। मनुष्य को आत्मा के बारे में सुनने दो कि नीचे से नीचे के लोगों के भीतर भी वही आत्मा है जो कभी नहीं मरता, जो कभी जन्म नहीं लेता। उसे किसी की तलवार से काटा नहीं जा सकता, न अग्नि उसे जला सकती है, न हवा उसे सुखा सकती है। बिना आरंभ या अंत के सर्वशुद्ध, सर्वशक्तिमान और सर्वव्यापी आत्मा, उन्हें स्वयं पर विश्वास होने दे। इससे उनके भीतर का भगवान बाहर आएगा। आपको बताया और सिखाया गया है कि आप कुछ नहीं कर सकते और आप प्रतिदिन अस्तित्वहीन बनते जा रहे हैं। जो हम चाहते हैं वह हमारी शक्ति है, इसलिए स्वयं पर विश्वास रखें। हम मानसिक रूप से दुर्बल हो गए हैं, इसलिए गूढ़ता और रहस्यवाद हमारे पास आते हैं। हमें लोहे की मांसपेशियां और स्टील की नसें चाहिए। हमने काफी समय तक प्रलाप किया है, अब और मत प्रलाप करो और अपने पैरों पर खड़े होकर मनुष्य बनो। जिस तरह आप एक पौधे को उगा सकते हैं, उसी तरह आप एक बालक को शिक्षा दे सकते हैं, उससे ज्यादा कुछ नहीं कर सकते। बढ़ना तो दोनों को स्वयं ही पड़ेगा। आप जो कर सकते हैं वह नकारात्मक प्रकृति का है। आप मात्र उसकी सहायता कर सकते हैं। वह उसकी आंतरिक अभिव्यक्ति है, वह उसके प्राकृतिक स्वभाव से विकसित होगा। आप मात्र बाधाओं को दूर कर सकते हैं। यह मनुष्य बनाने वाला धर्म है जिसकी हमें आवश्यकता है। यह मानव निर्माण सिद्धांत है जिसकी हमें आवश्यकता है। यह मानव निर्माण शिक्षण है जिसकी हमें आवश्यकता है। यहाँ सत्य की परीक्षा है। जो कुछ भी आपको शारीरिक, बौद्धिक और आध्यात्मिक रूप से दुर्बल बनाता है उसे विष के रूप में अस्वीकार करे। उसमें कोई जीवन नहीं है, वह सत्य नहीं हो सकता। सत्य ही सशक्तिकरण है, सत्य ही पवित्रता है, सत्य ही सर्वज्ञान है। सत्य सशक्त होना चाहिए, ज्ञानवर्धक होना चाहिए, स्फूर्तिदायक होना चाहिए। उपनिषदों की तरफ वापस आए। तेजोमय, सशक्त एवं उज्जवल दर्शन, जो कि सभी रहस्यमय और दुर्बल वस्तुओं से भिन्न है। वेदांत के दर्शन को अपनाएं। सबसे बड़ा सत्य विश्व की सबसे सरल वस्तुओं में है, जो कि आपके अपने अस्तित्व के समान सरल हैं। उन्हें ग्रहण करें और उनके अनुसार जिए, तब तुम्हारे देश का उद्धार निकट होगा।